हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में शिवक्रू देखते हैं साथ में शेंगू होता है, दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। शिवक्रू कहती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, शेंगू कहता है कि मुझे सपना लग रहा है और हम दोनों भी साथ में है। शिवक्रू कहती है कि ये कोई सपना नहीं है, यह रियलिटी है, अभी मेरे दिल में गुदगुदी हो रही है। शेंगू कह रहा होता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है और ये प्यार है। शिवक्रू यह कहती है कि प्यार कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये चीज़ थोड़ी शर्मनाक है। शेंगू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक दोस्त के रूप में और मेरी महिला के रूप में। इन 30 ईयर में एक पल ऐसा भी नहीं था जिस पल मैंने तुमसे प्यार नहीं किया हो। तभी अब शिवक्रू सुनती है कि बाहर मेरे पेरेंट्स आ गए हैं। बाहर मीशू को देखते हैं, साथ में ग्योंशू को होता है। मीशू भी ग्योंशू को डांट रही थी और यहाँ पर यह कहती है कि वो अम्परा यीशु को पति ये कर रहा था, उसके पास एक मॉडल का कैमरा भी था, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी बढ़िया फोटो भी नहीं खींची। बाद में घर के अंदर आते हैं और यह शिवक्रू को देखते हैं, साथ में शिवंग होता है जो कि अब नॉवल पढ़ रहे थे। पहले इन दोनों को शक की नजरों से देखते हैं। ग्योंशू के अब शिवंगों से कह रहा होता है कि ये तुम्हें रोमांटिक नॉवल पसंद है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाद में मीशू शिवंगों को देखती है और यह कहती है कि तुम्हारी शर्ट का बटन खुला हुआ है। ग्योंशू बाद में बंद कर रहा होता है। मीशू शिवंगों से बाद में कहती है कि अपने पेरेंट्स को बुला लाओ और यहाँ पर हम खाना खाएंगे। शिवंगों भी कहता है कि ठीक है। अगले समय से भी साथ में होते हैं और यहाँ पर खाना खा रहे थे। शिवंग इनसे पूछ रहा होता है कि आपकी ट्रिप कैसी थी, ये भी कहते हैं कि अच्छी थी, अगली बार तुम और शिवक्रू साथ में आना। मीशू कहती है कि ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनकी अब तक शादी नहीं हुई है, वैसे हम इनके लिए लड़का और लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि शादी कर सकें। शिवंग पहले कह रहा होता है कि मुझे इस बात पर शक है कि कोई शिवक्रू शादी करेगा। शिवक्रू भी सेम यहाँ पर ऐसा ही कहती है कि मुझे नहीं लगता वो शिवंग से शादी करेगा। ये भी कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। मीशू शिवंग से कहती है कि यह तुम इतनी बड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन ये अपनी कहता कि नहीं। शिवक्रू कहती है कि हम सिर्फ एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है। इनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि ठीक है। शिवक्रू शिवंगो बाद में रूम में आ गए थे। शिवक्रू कह रही होती है कि मेरा तो वहाँ पर दम घुटने वाला था। शिवंगो भी कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ही नर्वस हो गया था, मुझे तो खाना भी नहीं खा जा रहा था। शिवक्रू कहती है कि मैं और भी केयरफुल रहना होगा, लेकिन शिवंगो ने कह दिया था कि चलो ऑनेस्ट रहते हैं और पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम डेट कर रहे हैं। लेकिन शिवक्रू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, मेरी हाल ही में एंगेजमेंट टूट गई थी, अंजुन को चाहे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं शायद चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेती। शिवंगो भी इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा फील करती हो। शिवक्रू भी इसको मारती है और बाद में अपनी ये कहती है कि बात क्यों इतनी नहीं है, अगर पेरेंट्स को पता चल गया कि हम डेट कर रहे हैं तो तुम मेरे रूम में इस प्रकार नहीं आ पाओगे, वे 24 घंटे हम पर नजर रखेंगे और वे हमसे कई सवाल पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, वे हम पर कर्फ्यू लगा देंगे। शिवंगू कहता है फिर ठीक है, फिर तुम इस बात को सीक्रेट रखते हैं। शिवक्रू से करीब आती है और ये कहती है कि एक तो मैं कह रही थी कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना है। अगले समय इनकी डेटिंग लाइफ शुरू हो गई थी। शिवंगू शिवक्रू के पास आ रहा होता है। शिवक्रू इसको देखती है और आई कहती है, शिवंगू अपने उसको उठा लेता है। शिवक्रू कहती है कि ऐसा मत करो, हम सड़क के बीच में है। बाद में दोनों पार्क में होते हैं और यहाँ पर किस कर रहे थे, फिर दोनों फिल्म देख रहे थे और बाद में ऑर्केड में आते हैं और यहाँ पर गेम भी खेलते हैं। अगले समय डोंजिन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है, यह भी अपने प्रोडक्ट को देख रहा था और कह रहा होता है कि इनका मैं क्या करूँ, क्या मुझे और भी पोस्ट करनी चाहिए। बारिश के पेरेंट्स भी होते हैं। मीशू ग्रुप में फोटो देख रही होती है जो कि ऐशुक की होती है और जेसुक और इंसुक कह रही थी कि यह तो मॉडल लग रही है, इसकी फोटो बहुत ही अच्छी है। मीशू गेंसू को फोटो दिखाती है और यहाँ पर यह कहती है कि इसकी फोटो देखो कैसी है, और तुमने मेरी एक फोटो भी अच्छी नहीं ली, मुझे भी अपनी फोटो पोस्ट करनी थी। गेंसू कह रहा होता है कि तुम बार बार इस बात का जिक्र कर रही हो और मैं इससे परेशान हो गया हूँ, बाद में चला गया था। अकेले में शिवक्रू को देखते हैं, साथ में शिवंगू होता है। शिवक्रू अपने सामने सब्जियों को देख रही थी। शिवंगू कहता है क्या हुआ है। शिवक्रू कहते मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँ। शिवंगू कह रहा होता है कि फिर तुमने इतनी सारी क्यों खरीदी। शिवक्रू ने बता दिया था कि मेरी माँ ने ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। शिवंगू बाद में शिवक्रू उठा लेता है। शिवक्रू कहती है तुम क्या कर रहे हो, किचन एक पवित्र जगह होती है। शिवंगू कह रहा होता है कि तुम चाहती हो मैं रुक जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है और बाद में किस करने वाले होते हैं। लेकिन बाहर यहाँ पर मिंगू आ गया था और कह रहा होता है कि लाइटें किसी ने जलाई हुई है। ये भी दोनों बाद में छिप कर जा रहे थे और पास की लाइब्रेरी में आ गए थे और यहाँ पर मिंगू देख रहे होते हैं। शिवक्रू भी शिवंगू से कहती है कि तुमने कहा था यहाँ पर कोई नहीं आएगा। शिवंगू कहता है कि मैंने कहा था, लेकिन शायद यह कुछ भूल गया होगा और लेने के लिए आया होगा। शिवक्रू कहती है कि और मैं कितना वेट करना होगा, मेरा एग्जाम 2 दिन में होने वाला है और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शिवंगू कह रहा होता है कि पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। शिवंगू चेयर पर बैठ गया था और शिवक्रू आने के लिए कह रहा होता है। बाद में है भी आ रही थी और शिवंगू इसे अपने पास बैठा लेता है और बाद में दोनों किस कर रहे थे। अगले से मोइन को देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। दोनों घर से बाहर आते हैं। पास से यंडू साथ में डेनो जा रहे थे
योंडो भी अपनी इनको देख लेती है और बाद में जेसु के पास आती है, इसे मिलती है। जेसु डैनो से कह रही होती है कि यह हमारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन डैनो ने मना कर दिया था और ये कहता है कि कुछ दिन में नौकरानी अपराज आएगी और वो योंडो ख्याल रखेगी। अगर आप मुझको ज्यादा प्रेशर डालेंगी तो मैं अनकम्फर्टेबल हो जाऊंगा। बाद में चले गए थे। योंडो मोइम को बाई कहती है, मोइम भी इसको बाई कहती है। जेसु मोइम से कहती है कि मेरी पैसी पोती होनी चाहिए थी, तुम्हें ब्लेंडर तो जाना चाहिए। मैंने शेकुरु से पूछा था, उसने मना कर दिया था, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मोइम ने कह दिया था कि शेकुरु कभी नहीं जाएगी। वो नहीं, मैं जाऊंगी। जेसु उसको देखती है और ये कहती है कि यह तुम पहले से किसी को लाइक करती हो। मोइम कुछ नहीं कहती और भाग जाती है। वो योंडो को डैनो से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं किंडरगार्टन नहीं जाने वाली, आप वहाँ पर मुझे टाइम से पहले लेने के लिए आएंगे और मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार आप अपना काम नहीं करते हैं। क्या मैं मोइम के घर पर नहीं रह सकती? उसकी माँ मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है और मोइम भी मेरे साथ खेलती है। डैनो ने कह दिया था कि अब से मैं भी सही करूँगा, हम दोनों साथ में खेलेंगे और हाँ नदी पर भी चलेंगे और वहाँ पर साइकिल चलाएंगे। योंडो बाद में अपने पिता की बात मान लेती है। अगले समय शोकरु को देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा होता है। वही शोंगो को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। इसके पास मिंगू आता है और कह रहा होता है कि तुम ये खाना फिर से खा रहे हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुम अब शाम को टाइम से पहले निकल जाते हो। लेकिन शोंगो ने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही शोकरु को देखते हैं जो एग्जाम देकर बाहर आ गई थी, और पास में शोंगो होता है जो इसका वेट कर रहा होता है। शोकरु भी इसके पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? शोंगो गुलदस्ता दे रहा था और कह रहा होता है कि तुम मेरी GF हो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आया हूँ। शोकरु ने कह दिया था कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। शोंगो ने कह दिया था कि मैं रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर बिलीव करता हूँ। शोकरु कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। शोंगो ने कह दिया था कोई बात नहीं है, तुम मार सकती हो, ये फिर भी हैप्पी एंडिंग होगी। शोकरु कहती है तुम बहुत ही शरारती हो गए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ क्योंकि फूल बहुत ही सुंदर है। शोंगो कह रहा होता है कि तुमसे सुंदर नहीं है। शोकरु शर्मा रही थी और यह कहती है कि अब ये सब करना बंद करो। अगले समय नायुन को देखते हैं जो अपने काम पर जा रही थी, लेकिन इसका बटाउजिन देख लेता है, बाद में से बात कर रहा था और यहाँ पर यह कह रहा होता है कि तुम आज ऐसी क्यों बनी हुई हो, तुम्हें मेरी तरफ ही होना चाहिए। लेकिन नायुन इसको देखती है और यह कहती है कि तुम जॉबलेस हो। लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं, अब मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, मैं भी इनको बेच रहा हूँ, तुम चाहो तो एक ले सकती हो। लेकिन यह अपनी मना कर देती है। तभी नायुन के हाथ में पर्चा होता है जो नीचे गिर गया था। बाद में डोंजिन इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हें दोस्त की कंपनी है, क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? नायुन कहती है तुम्हारा दोस्त कौन है, क्या मिंगू है? लेकिन यह अपनी कहता है कि नहीं, शेंगू मेरा दोस्त है। तभी पास में शेंगू को देख लेता है, साथ में शोकरु होती है, बाद में इनके पास आ गया था, साथ में नायुन भी आती है। पहले शोकरु से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये फूल क्यों है? शेंगू कह रहा होता है कि फूल मेरे हैं, इसने मेरे फूल चुरा लिए थे। डोंजिन कह रहा होता है कि अभी फूल भी चुराने लगी है, मुझे माँ से इसकी कंप्लेन करनी होगी। लेकिन शेंगो कहता है कि ऐसा मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। नायुन डोंगजिन की बातें सुनती है और यह कहती है कि यह तुम भाई बहन हो। शेकरु भी यहाँ बढ़ती है और यह कहती है कि यह मेरा छोटा भाई है। शेंगो इनसे कह रहा होता है कि वैसे तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? डोंगजिन कहता है कि यह हमारी जिम में आती है। डोंगजिन बाद में शेंगो से कह रहा होता है कि यह तुम मुझे अपना ऑफिस दिखा सकते हो, मैंने आज तक देखा नहीं है। यह भी कहता है कि ठीक है, बाद में इसको अपने ऑफिस में ले आया था। शेकरु भी शेंगो से यह कहती है कि इसको आने के लिए क्यों कहा है? शेंगो कहता है कि और मैं क्या कहता, मैं इसको सीधे मना नहीं कर सकता था। शेकरु डोंगजिन को जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अब नायुन आती है और डोंगजिन से यह कहती है कि यह तुम सच में इसको बेच रहे हो, आजकल इनके लिए हड़कंप मची हुई है। डोंगजिन कहता है तुम लेना चाहती हो, लेकिन अपनी कहती है कि नहीं, यह प्रोटीन बहुत ही गंदे हैं और इनको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, तुम पर इसके लिए केस भी हो सकता है। अगले समय शोकरु डोंगजिन घर पर ले आती है, इसके कान को पकड़ा हुआ था, और अपने पेरेंट्स से कहती है किसने फिर से गड़बड़ कर दी है। पेरेंट्स कहते हैं कि अब क्या हुआ है, शेकरु ने बता दिया था कि यहाँ पर उनमें जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वे सब प्रोटीन है, उनको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है और इस पर केस भी हो सकता है। मिशुक बाद में डांट रही थी और यह कहती है कि सब मेरी गलती है, मुझे इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे। बाद में जो कई बातें सुनाती है, डोंगजिन भी अपनी यह कहता है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैं इस बार अच्छा करना चाहता था, मुझे पता कि मैं वहाँ पर बोझ हूँ और मैं शेकरु की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, मैं आप सबके लिए कुछ करना चाहता था, मुझे आपके लिए बैग खरीदना था और पिता के लिए गाड़ी लेनी थी, मुझे नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा, मैं भी सफल होना चाहता हूँ। शेकरु डोंगजिन से यह कहती है कि अब तक बात नहीं बिगड़ी है, तुमने जितने प्रोडक्ट ही बेचे हैं उन प्रोडक्ट को वापिस ले आओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनके पैसे भी लौटा दो। डोंगजिन कहता है कि ठीक है, मैं सही करूँगा। अगले इसमें डैनो को देखते हैं जो पैदल जा रहा होता है, इसे यहाँ पर मोइम मिलती है, यह भी मोइम को नमस्ते कहता है और जा रहा होता है। लेकिन मोइम यह कहती है कि हम कम से कम नमस्ते तो कह सकते हैं। डैनो कहता है कि मैंने भी कहा है, लेकिन मोइम कहती है कि तुमने कल सिर हिलाया है,
क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा और आज तुमने काम पर क्या किया। लेकिन डैनो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। मोयूम डैनो से कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अभी अगर डैनो कह रहा होता कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मोयूम कहती है कि फिर वह सब क्या था, तुम मेरे लिए बैग भरकर मैरम ले आए थे, क्या उस टाइम तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं कर रहे थे? या फिर मना कर देता और कह रहा होता है कि मैरम सिर्फ मैरम होती है, मैं तुम्हारे बारे कुछ भी नहीं कर रहा था। मोयूम इसे कंडी देती है और बाद में चली जाती है। डैनो भी इसको जाते हुए देख रहा था और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे लाइक करना बंद करना होगा। अगले समय आयशु को देखते हैं जो क्यूंजुंग के पास आती है, क्यूंजुंग अपना काम कर रहा होता है। आयशु कहती तुम क्या कर रहे? क्यूंजुंग कहता कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, कहते हुए कुछ काम था। लेकिन अपनी कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा रूम देखने के लिए आई थी, वैसे तुम्हारा बेड बहुत ही छोटा है। क्यूंजुंग कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपर अकेला सोता हूँ इसलिए मेरे लिए परफेक्ट है। आयशु बाद में कहती है कि मेरा बेड तो बहुत ही बड़ा है, मानो कोई रानी सोती हो, क्या तुम वहाँ पर सोना चाहोगे? तभी क्यूंजुंग पिल्लो को उठा लेता है और यह से भाग गया था। अगले समय डोंगजिन को देखते हैं जो लाल कस्टमर के पास कॉल कर रहा था और अपना प्रोडक्ट वापिस ले रहा था और इनको पैसे वापिस दे रहा था। शेखरू बाद में इसे मिलने के लिए आती है। पहले यहाँ पर ये बताती है कि पहले मैं तुमसे बुझे नफरत करती थी, लेकिन तुम जो जिम में काम करते थे वह देखकर मुझे तुम पर प्राउड फील हुआ था। माँ मुझसे ज्यादा तुम्हें ज्यादा प्यार करती है, तुम उसके नंबर वन हो। बाद में इसे कम्फर्ट देती है और बताती है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई स्पेशल पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो। बाहर मीशु बिन की बातें सुनती है और हैप्पी हो गई थी। अगले इसमें शोकरू देखते हैं जो विंडो पर होती है, दूसरी साइड यहाँ पर शेंगो होता है। शेंगो शोकरू से कह रहा था क्या हुआ है, क्या तुम एग्जाम में पास हो गई हो? पहले कुछ नहीं बोलती। शेंगो बाद में कहता कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा पहली बार था, तुम अगली बार पास हो जाओगी। लेकिन बाद में शोकरू ने कह दिया था कि मैं पहली बार ही पास हो गई हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। शेंगो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन शोकरू ने कह दिया था कि अपन बताओ हम कई बार मिलते हैं। बाद में अगले सीन में ऐसा ही करते हैं और यहाँ पर पास में मिल रहे थे। शेंगो शेखरू से कह रहा होता है कि तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमको यहाँ पर कोई साथ में देख मिलेगा तो उन्हें अजीब नहीं लगेगा क्योंकि हम 30 सालों से साथ में हैं। शेखरू कहती है तुम सही कह रहे हो। बाद में अपने आप को नहीं छुपाती शेंगो भी इसके पास आ गया था और यहाँ पर यह कह रहा होता है कि अब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया है। शेखरू ने कह दिया था कि मैं अलग अलग जगह पर अप्लाई करूंगी। शेंगो बताया कि ठीक है, लेकिन अब तुम किसी न काम करने वाली हो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा और साथ में आदमी से भी। लेकिन शेखरू यह कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी क्योंकि जो लोग किचन में काम करते हैं उनके हाथ की मसल अच्छी होती है। शेंगो बाद में दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, तुम मेरी मसल देख सकती हो। बाद में शेखरू देखती है और यह कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी है। अगले इसमें मोइम को देखते हैं जो अपने काम से बाहर आती है। एक कली कह रहा था तुम कहाँ पर जा रही हो? मोइम कहती है मुझे कुछ काम है। दूसरा कली कह रहा होता है कि तुम देख नहीं सकते, उसने फ्यूनरल कपड़े पहने हुए हैं, ये स्मृति स्थल पर जा रही होगी। अगले इसमें देखते हैं कि अब ऐसा ही होता है। मोइम स्मृति स्थल पर आ गई थी और अपनी सीनियर से मिल रही थी और इसको भी याद करती है, बाद में जा रही थी। लेकिन तभी आप ये देख लेती है कि आप योंडो भी आ रही थी, साथ में डैनो होता है। योंडो अपनी माँ की फोटो को देखती है, साथ में अब डैनो भी होता है। लेकिन अब उनके यहाँ पर यह पता चलता है कि डैनो योंडो का पिता नहीं है, ये इसका अंकल है। यहाँ पर डैनो की योंडो की फैमिली होती है, इनमें अब योंडो के पेरेंट्स होते हैं, साथ में से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी होती है। बाद में जा रहे थे लेकिन आगे पर मोहिम होती है। अगले सीन में तीनों बाहर होते हैं। डैनो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे अब मिलूंगा। मोहिम बता देती है कि मैं अब क्यों आई थी, मेरी एक सीनियर थी, एक स्कूल जिम में आग लग गई थी और वहाँ पर वह एक लड़की को बचा रही थी। हालांकि उसने लड़की को बचा लिया था लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई। डैनो कहता है तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन मोहिम कहती है कि यह तुम्हारे लिए और भी कठिन था, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। डैनो भी बताता है क्या हुआ था, कैसे मेरी फैमिली ट्रिप पर जा रही थी लेकिन उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। हम भी अपने सीन देखते भी है कि डैनो अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया था, इसकी भाभी की डेथ हो गई थी, इसका भाई भी होता है और इसके यहाँ पर पेरेंट्स भी होते हैं, सभी की डेथ हो गई थी। डैनो प्रेजेंट में बता रहा होता है कि ये लियोंडो बच गई थी और ये मेरे लिए एक मिरेकल था। मोयूम डैनो को देखती है और ये कहती है कि ये तुम गले मिलना चाहते हो, मैं तुम्हें कंफर्ट देना चाहती हूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन ये अपनी मना कर देता है और कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। मोयूम ये कहती है कि यह मुझे भी लाइक नहीं करते, डैनो ने कह दिया था कि मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगले इसमें शुक्रू देखते हैं जो अपने घर पर होती है, ये भी कई कंपनियों में अप्लाई करती है ताकि वहाँ पर किचन का काम कर सके। अगले से शेंगो दिखा आ जाता है, इसके पास मेंगू आता है और ये अपने ये कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ आई है जो कि एक इन्विटेशन कार्ड है, एक अवार्ड सेरेमनी होने वाली है जो कि आर्किटेक्चर की होगी और अब तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है।
शिवू कह रहा होता है कि क्या मैं किसी को ला सकता हूँ। वेंगू कहता है कि यार तुम ला सकते हो और तुम उसको दिखा सकते हो कि तुम कितने अमेजिंग हो। अगले इसमें मिशू को देखते हैं, साथ में ऐसुक होती है, साथ में जेसुक होती है, साथ में इंसुक होती है। यहाँ पर एक आर्ट की क्लास ले रहे थे और यहाँ पर ये भी लिख रहे थे कि हम क्या चीज़ चाहते हैं, फिर यहाँ पर बाहर आते हैं और यहाँ पर और क्लास को भी देख रहे थे और ये कहते हैं कि हम अगली बार ये भी लेंगे। यहाँ पर आयसुक से कह रहे थे कि यह तुम भी लेना चाहोगी। आयसुक ने कह दिया था कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ, अब मैं सभी काम करना चाहती हूँ जो मैंने पहले नहीं किए हैं। बाद में विदेश में ट्रिप पर जाने के लिए कह रहे थे। मिशु कहती है इसमें कितना पैसा लगता है, बाद में उन्होंने बता दिया था। मिशु बाद में गेहूं के पास आती है जो अपनी शॉप में होता है। गेहूं मिशु से कहता है तुम्हारी क्लास कैसी थी। मिशु कहती है कि ठीक थी। बाद में मिशु ये बताने वाली थी कि मेरी दोस्त ट्रिप के लिए विदेश में जा रही है, लेकिन तभी गेहूं की खाने की डिलीवरी आ गई थी। आदमी यहाँ पर ये कह रहा था कि आजकल तुम्हारी डिलीवरी कम हो गई है क्योंकि स्कूल के सामने एक स्नैक शॉप खुल गई है। बाद में आदमी चला गया था। गेहूं बाद में मिशुक से कह रहा होता है कि तुम कुछ कह रही थी, लेकिन इसने मना कर दिया था। अगले इसमें शेखर को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और ये इस बात को लेकर परेशान हो गई थी कि मैंने कई कंपनियों में अप्लाई कर दिया है और किसी कंपनी ने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया है। हालांकि एक दो ने किया है, लेकिन उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है। शेखर के पास बाद में शेखर मैसेज करता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। अगले इसमें दोनों साथ में होते हैं। शेखर ने कुछ बना लिया था, उसे वो खा रहा होता है। बाद में शेखर से ये कहता है कि ये तुम अगले भी फ्री हो, मैंने एक बिल्डिंग को डिजाइन किया था और वो आर्किटेक्चर ऑफ द ईयर में आ गई है और मैं अवार्ड जीत गया हूँ। शेखर भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी। शेखर बाद में कह रहा होता है कि अवार्ड शेयर नहीं होने वाली है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर मैं वो भी होगा। लेकिन शेखर कहती है कि मैं नहीं आ सकती, डोंजिन और नाइन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वे मुझे वहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। वैसे कहते हैं इस बात से पागल हो गए हो, लेकिन अपनी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने जो कहा उसे सीरियसली मत लो। शेखर भी कहती है कि ठीक है। अगले इसमें डोंगजिन को देखते हैं जो अपनी जिम को देख रहा होता है, लेकिन तभी पास में शोल भी लग गया था और बाद में इसको अंदर आने के लिए कह रहा था। डोंगजिन कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे गलती हो गई है, लेकिन शोल भी ने कह दिया था कोई बात नहीं है, अब तुम काम पर लग जाओ। डोंगजिन बाद में ऐसे ही कर रहा था और यह सफाई करता है। अगले इसमें शेखर देखते हैं, साथ में इसकी दोस्त होती है। इसकी दोस्त यहाँ पर ये बता रही होती है कि हमें इस रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई है, हमने ऑफिस के लिए अप्लाई किया था। लेकिन शेखर ने कहती है कि मैंने भी कई रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। अगले इसमें शेखर अपने घर पर होती है और ये आप स्कूल की फोटो देखती है जो कि अमेरिका में होता है और कुकिंग के लिए फेमस होता है। वही हम शेखर को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में होता है और यहाँ से कुछ चीज़ें ले आता है। बाद में शेखर घर पर आ गया था और मिशू को खाने के लिए दे रहा था और कह रहा था शेखर कहाँ पर है। मिशू कहती है कि वो अपने रूम में है, बाद में रूम में आ गया था। हालांकि अब शेखर नहीं होती, पहले शेखर बेड को सेट करता है और बाद में इसकी चीजें देख रहा था और तभी शेखर वाली बुक को देख लेता है जो कि अंजू ने शेखर को दी थी। शेखर बाद में अपर आती और इसे कहती तुम कब आए थे। शेखर अब इस बुक को दिखा रहा था और कह रहा था कि ये क्या है, तुम इसे क्यों देख रही थी, ये तो वही है ना जो कि अंजू ने दी थी। ये भी अपराम भरती है और यह कहती है कि चलो बार बात करते हैं, मेरी माँ यहाँ पर हमारी बातें सुन लेगी। अगले इसमें दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे जहाँ से वो पहले ये कह रहा होता है कि तुम फिर विदेश में जाने वाली हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने मुझे एक बार भी इस बारे नहीं पूछा। लेकिन अब शेखर ये कहती है कि मैंने कई रेस्टोरेंट में अप्लाई किया था, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया और मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने इवेंट में जाने के लिए मना कर दिया था। शेखर कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने शर्मिंदा क्यों होगी, मुझे बता तुमने कितनी मेहनत की है, तुम्हें सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शेखर ने कह दिया था कि मैं जा रही हूँ, मुझे एक वीक का टाइम दो, मैं सोचना चाहती हूँ मुझे क्या करना है। बाद में चली गई थी। अगले इसमें डैनो को देखते हैं जो कि अपर मुहिम को देखता है जो नसीब में होता है। बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि चलो घर पर चलते हैं, लेकिन मुहिम नसीब बात करती है और अपनी हरकतें कर रही थी और इसे ग्लासेज उतार लेती है और यह कहती है कि अपन उस पैडर में लग रहे हो, तुम सभी के लिए अच्छे हो, तुम मेरे लिए विलन क्यों हो। डेनू कह रहा होता है मैं सभी की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मुहिम यह कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ, तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। बाद में बाकरी इसके पास आ गई थी और गले लगाती है। अगले से मुहिम इसकी पीठ पर होती है, डेनू से घर पर ले जा रहा होता है और बाद में इसे घर के पास आ गया था। आगे जेसुक होती है जो कि अपरिन को देख लेती है और बाद में मुहिम को नीचे उतार रही थी और साथ ही मार रही थी। वो डैनो कह रही होती मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं पाला है, लेकिन डैनो ने कह दिया था कि आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है और मैं इसे केयर करूंगा। मुहिम भी डैनो को देखती है, जेसुक भी इन दोनों को देख रही थी। अगले से शेखर को देखते हैं जो शेखर के पास कॉल करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं करता, इसलिए शेखर की फोटो देख रहा था। बाद में श्याम को शेखर की विंडो को देखता है।
बाद में शेखर भी विंडो को देख रही थी। हालांकि एक दूसरे से निट कर आते। सुबह बाद में शेखर बाहर होती है और अब डोंगजिन को देखती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? डोंगजिन कह रहा होता है कि जो प्रोटीन मिल रहा था उनको दफना रहा हूँ और मैं जिम में जाना शुरू कर दिया है और मैं पढ़ाई भी करूँगा। शेखर कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? डोंगजिन कह रहा होता है कि तुमने पहले जो मुझे बातें कही थी उनका मुझ पर गहरा असर पड़ा है। अगले इसमें शेंगू दिखाया जाता है, साथ में मेंगू होता है। मेंगू काम की बात कर रहा होता है लेकिन शेंगू का ध्यान नहीं होता। मेंगू पूछता क्या हुआ है लेकिन शेंगू कहता कुछ भी नहीं है। वैसे क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? जो वहाँ ठहरे नहीं होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर जा सकते हो? क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, तो मेरे बदले अवार्ड ले लेना। हालांकि पहले अपनी मना कर देता है लेकिन बाद में मेंगू मान गया था। शेंगू बाद में जा रहा होता है। मेंगू कहता तुम कहाँ पर जा रहे हो? शेंगू ने कह दिया था कि मैं साइट पर जा रहा हूँ। अगले इसमें शेंगू साइट पर आ गया था और ये अपने आदमी से बात कर रहा होता है। दोनों अपने काम के बारे में बात करते हैं, तभी शेंगू के पास एक कॉल आ रही होती है जो कि शेखरू की होती है। कॉल को देखकर ये अपी हो गया था, लेकिन तभी ऊपर मरबंश गिरने वाला होता है और शेंगू ऊपर देख रहा होता है। अगले इसमें शेखरू को देखते है जो बाकी यहाँ पर हॉस्पिटल में आती है और शेंगू चिल्लाती है। शेंगू कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। शेखरू बाद में इसके पास आ गई थी और रो रही होती है। शेंगू कह रहा था तुम क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पास कॉल करने वाला ही था लेकिन मेरे हाथ में चोट लग गई थी। शेखरू भी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे एक भी रुकने के लिए कहा था लेकिन तुमसे वह भी नहीं उसका। मैं तुमसे बुझा प्यार करती हूँ, बार बार शेखरू ऐसे ही कर रही थी। शेखरू बाद में गले लगाता है और कह रहा होता है, मैं तुमसे बुझा प्यार करता हूँ, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 14 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।